नमस्कार, मैं हूं सुनील बोवी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में सियासत की क्या चल रही है, राजनीति, लोकसभा चुनाव के लिए नेताजी क्या कुछ बोल रहे हैं, तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं या अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार के खबरों से आप रहें अपडेट। डेली न्यूज सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपको बता दें कि महागठबंधन में हो गया है सीटों का बंटवारा। लगातार यह अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस और राजद में टूट हो जाएगी, अलायंस खत्म हो जाएगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर अब विराम लग गया है और बीते दिन महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। बिहार में महागठबंधन के सीटों का बंटवारा में आरजेडी यानी राजद के 26 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट में 5 सीटें मिली है, लेफ्ट को 5 सीटें मिली है। खास इस पर मुहर लगी है और हम पहले भी आपको हम बताए थे कि इस तरह से कुछ गणित तय होगा, जिस पर मुहर लग गई है, यानी आरजेडी को 26, कांग्रेस को 9 और लेफ्ट पार्टी को 5 सीटें मिली है। तो वहीं हम आपको बता दें कि बीजेपी का चुनावी गाना भी लॉन्च हो गया है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार को दमदार बनाने के लिए बीजेपी ने एक चुनावी गाना भी लॉन्च कर दिया है, जिसका टाइटल है बिहार संग मोदी, मोदी संग बिहार। तो यह खास गाना भाजपा ने, बीजेपी ने लॉन्च किया है। तो वही जननायक कर्पूरी ठाकुर को आज मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसी सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गए और आज दिल्ली पहुंच गए हैं। इधर भाजपा की मदद से जीत पाएंगे कुर्सी, जीतने के बाद फिर बादशाह बनने लगेंगे कि अब हमसे ज़्यादा पॉपुलर कोई नेता नहीं है। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी का अंत हो गया है। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। पीके ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए बीजेपी को भी चैलेंज किया है। तो वहीं बिहार में चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे, यह कहना है पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। इंडिया ने आज बीते दिन जो है फाइनल सीटों का ऐलान कर दिया। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली से पटना लौटने पर गठबंधन और चुनाव को लेकर रखी विशेष अपनी राय और चिराग पासवान के बातों पर उनका जवाब भी दिया है। तो वहीं बीपीएससी TRE3 परीक्षा को लेकर फैसला नहीं, चुनाव आयोग की अनुमति के बाद होगी बीपीएससी TRE3 की परीक्षा, यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तो वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जो है वह अप्रैल की पहली सप्ताह में आने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है, लेकिन अगर सूत्रों की बात माने तो बिहार शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड इस इंतजार में है कि पटना हाई कोर्ट के फैसला क्या आता है, उसके बाद ही रिजल्ट का प्रकाशन हो। फिर भी अप्रैल का प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आने की उम्मीद है और अब बस दो चार दिनों के अंदर में ही हाई कोर्ट से भी फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं चुनाव में तैनात कर्मियों का भत्ता तय कर दिया गया है। जो पीठासीन पदाधिकारी बनेंगे उनको 700 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान होगा। मतगणना सहायक को 500, चौकीदार को 350 प्रतिदिन मिलेंगे, इसको लेकर तमाम चीज़ें तय कर ली गई है। वहीं बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा एक पत्र भी निकाला गया है कि संविदा कर्मी को चुनाव कार्य में नहीं लगाएं, अगर अनुपलब्धता है तो P2 और P3 में आप लगा सकते हैं। इसको लेकर बिहार के नियोजित शिक्षकों में कई तरह की बातें चलने लगी है कि हम कहां पर हैं। वहीं किसानों को अब साल में 4 बार बिजली बिल मिलेगा। राज्य भर के किसानों को बिजली बिल जमा करने में मिली सहूलियत। प्रत्येक वर्ष 5 मार्च से मई अगस्त और दिसंबर में दिया जाएगा बिल। 1 अप्रैल से दर पर मिलेगी बिजली, समय से पहले भुगतान पर 3% तक छूट दी जाएगी। तो ये किसानों के लिए बड़ी खबर है। वही जेईई मेन
शेड्यूल में बदलाव, अब 4 से 9 अप्रैल तक होगी परीक्षा, पहले 4 से 15 तक होनी थी परीक्षा। 12 लाख छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं दूसरे चरण में और 20 अप्रैल तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो जेईई मेन को लेकर बड़ी खबर थी। वहीं शिक्षा विभाग की बैठक में लगातार 5वीं बार नहीं आए कुलपति, गहरा विवाद होता जा रहा है। एक दो विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुलसचिव आए पर विभाग ने नहीं ली बैठक। 28 और 29 मार्च के 2 दिवसीय उन्मुखीकरण सह बैठक की शिक्षा विभाग ने किया स्थगित। आपको बता दें इससे पहले कब कब बैठक हुई थी इसके बारे में आप खुद जानते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच अब विवाद गहराता जा रहा है। इधर ईओयू ने बीपीएससी से पूछे 1 दर्जन सवाल। बीपीएससी के स्तर से आयोजित शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक का मामला है, तो इस पर जांच लगातार हो रही है। तो वहीं भारत में हर वर्ष 8 करोड़ टन भोजन बर्बाद हो रहा है, चिंताजनक विषय है। संयुक्त राष्ट्र की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। गरीब और अमीर सभी देशों की बड़ी समस्या है। आपको बता दें कि खाना बर्बाद होने से दुनिया भर में लाखों लोग भूखे रहेंगे, ऐसे अनावश्यक कचरे से जलवायु पर और प्रकृति को नुकसान पहुंचता है, यह कहना है इंगर एंडरसन का। तो इस तरह से यह भी बात बड़ी बात है। तो वहीं मतदाता जागरूकता को 1 अप्रैल से नॉक द डोर अभियान चलेगा, तैयारी शुरू हो गई है। 2 महीने में हर एक मतदाता से 3 बार संपर्क करेंगे जिला प्रशासन के अधिकारी। 75 वार्डों सहित सभी क्षेत्रों में डीएम ने मतदाताओं से मिलने की दी है सलाह, तो यह खास तैयारी की जा रही है। तो वहीं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राशि अब ई कुबेर से मिलेगी। विभागों का रिजर्व बैंक से ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलकर इंक्रीमेंट किया गया है। केंद्रांश पर मिलने वाले ब्याज को लेकर केंद्र का निर्देश दिया गया है। राशि जमा होने के बाद नई व्यवस्था के तहत अगले वित्तीय वर्ष में राशि जारी हो जाएगी। तो यह पंचायतों के लिए भी बड़ी खबर है। बिहार में मनरेगा मजदूरी अब 245 रुपये मिलेंगे। विभिन्न राज्यों में 4 से 10% तक बढ़ोतरी, यूपी और उत्तराखंड में 7 रुपये का इजाफा हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा योजना के तहत मजदूरी की जो दर है इसमें इजाफा किया गया है। अलग अलग राज्यों में मजदूरी दर में 4 से 10% की बढ़ोतरी की गई है। बिहार में मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अब मजदूरों को 245 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।